हेलो एवरीवन, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश डिस्कस करेंगे, उनका जो क्रम भी पूछा जा सकता है और यहां से निगेटिव क्वेश्चन भी बन सकता है कि इनमें से कौन मध्य प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश नहीं रहा है। इसलिए आपको इनके नाम पता होना कि कौन मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश थे, कौन राज्यपाल थे। तो काइंड ऑफ योर इन्फॉर्मेशन, आपको जानकारी के लिए मैं ये बता दूं फ्रेंड्स कि इसके पहले मैंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा उपाध्यक्ष का जो लेक्चर है वो बना के अपने चैनल की प्लेलिस्ट में डाल दिया है। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट करके देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमने वहां क्या क्या पढ़ा है। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश में मुख्य न्यायाधीश डिस्कस करेंगे और यह लेक्चर मेरे द्वारा मैं आप तक लेकर आ रहा हूं। माई नेम इज विक्रम खंडेलकर। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आएगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, नीचे जो लाल कलर का बटन दिया हुआ है उसे दबा दें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे नए नए अपडेट्स और आने वाले समय में इससे भी बेहतरीन लेक्चर पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश। तो देखिए फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। तो मध्य प्रदेश में मुख्य न्यायाधीश, मध्य प्रदेश में मुख्य न्यायाधीश का क्रम दिया हुआ है, आपको इसको याद रखना है। क्वेश्चन निगेटिव बन सकता है, मैंने पहले ही बताया। तो देखिए, सबसे पहले जो न्यायमूर्ति श्री मोहम्मद हिदायतुल्ला जी मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन वनडे एग्जाम और नॉर्मली जनरल एग्जामों में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो मोहम्मद हिदायतुल्ला जी मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये याद रखना है आपको। और इनसे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है मध्य प्रदेश से। तो ये इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, छठवें उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति भी रहे हैं। ये तो इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, तो याद रखना है इनसे। और इनसे याद रखिए, ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुस्लिम न्यायाधीश थे, ये याद रखना है आपको। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुस्लिम न्यायाधीश भी थे, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुस्लिम न्यायाधीश भी थे। छठवें उपराष्ट्रपति रहे हैं और प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे हैं। तो राष्ट्रपति भी रहे हैं, उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं और मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति श्री मोहम्मद हिदायतुल्ला। डायरेक्ट वनडे एग्जाम में क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, श्री मोहम्मद हिदायतुल्ला जी थे, तो याद रखना है आपको। उसके बाद देखिए, इनके बाद कौन बने थे और इनका कार्यकाल, देखिए कार्यकाल कभी पूछा नहीं जाता, जनरली एग्जामों में कार्यकाल नहीं पूछा जाता, फिर भी 1 नवंबर 1956 से लेके 12 दिसंबर 1958 तक ये रहे हैं न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला। आगे चलते हैं अपन। इनके बाद श्री जीपी भट्ट मुख्य न्यायाधीश थे मध्य प्रदेश के। उनके बाद तीसरे नंबर के श्री न्यायमूर्ति श्री पी बी दीक्षित, तो ये नाम याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। पी बी दीक्षित तीसरे। और चौथे थे विश्वाम्भर गोयल, न्यायमूर्ति श्री विश्वाम्भर गोयल। और पांचवे थे न्यायमूर्ति श्री पी के तारे। तो अब ये पांच यहां से आपको याद रखना है क्रम। देखिए, सबसे पहले हिदायतुल्ला जी, फिर भट्ट, हिदायतुल्ला, भट्ट, दीक्षित और गोयल और तारे। तो ऐसा आप याद रख सकते हैं, इसकी कोई जनरली आपको ट्रिक नहीं मिलने वाली है, ट्रिक समय पे याद भी नहीं आती, आप इससे याद रख सकते हैं। देखो, हिदायतुल्ला भट्ट दीक्षित गोयल और तारे पांच नाम याद हो जाएगा, पांच लाइन आप लिखेंगे तो पांच वर्ड में। हिदायतुल्ला भट्ट दीक्षित गोयल और तारे ये पांच नाम आपको याद हो जाएगा, ये पांच बने हैं, आपको याद रखना है शुरू में। न्यायमूर्ति श्री मोहम्मद हिदायतुल्ला पहले थे, मध्य प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश थे। दूसरे थे भट्ट, तीसरे दीक्षित, गोयल, तारे। हिदायतुल्ला भट्ट दीक्षित गोयल तारे, ये पांच हो गए फ्रेंड्स। इसके बाद इधर आगे देखते हैं अपन। तो देखिए, अब दूसरी लाइन चलते हैं। दूसरी लाइन ये आपको समझ में आ गया, हिदायतुल्ला भट्ट दीक्षित गोयल और तारे, ये पांच हो जाएंगे, क्रम याद हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं छठवें नंबर के, न्यायमूर्ति श्री शिवदयाल पी श्रीवास्तव। इनका नाम था न्यायमूर्ति श्री शिवदयाल पी श्रीवास्तव, शिवदयाल पी श्रीवास्तव। इनसे एक क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, 11 अक्टूबर 1975 से 28 फरवरी 1978 तक
मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं और इन्हीं के समय प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था 77 में। आपने सुना होगा प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था मध्य प्रदेश में 77 में। तो कभी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रथम राष्ट्रपति शासन जो मध्य प्रदेश में लगा था, पहला राष्ट्रपति शासन के समय मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो न्यायमूर्ति श्री शिवदयाल पी श्रीवास्तव मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश थे। तो इनका नाम याद रखना है, न्यायमूर्ति श्री शिवदयाल पी श्रीवास्तव। इनके बाद सातवें नंबर में बने थे न्यायमूर्ति श्री ए पी सेन। ये सेन याद रखना है, श्रीवास्तव शाह है, देखो श्रीवास्तव सेन ही ओझा। तो अभी आगे देखते हैं, श्रीवास्तव सेन शाह से याद आ जाएगा। उसके बाद देखिए आठवें नंबर के न्यायमूर्ति श्री जी पी सिंह। अब ये न्यायमूर्ति श्री जी पी सिंह जो थे, 27 जुलाई 1978 से 3 जून 1984 तक मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं और इन्हीं के बीच मध्य प्रदेश का दूसरा राष्ट्रपति शासन लगता है 1980 में। तो 1980 में लगा दूसरा राष्ट्रपति शासन, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द्वितीय राष्ट्रपति शासन के समय मध्य प्रदेश में कौन थे मुख्य न्यायाधीश? तो न्यायमूर्ति श्री जी पी सिंह थे। तो ये याद रखना है, पहले के टाइम पे कौन थे, दूसरे के टाइम पे कौन थे। पहला राष्ट्रपति शासन 1977 में लगा, दूसरा राष्ट्रपति शासन 1980 में लगा। तो ये नाम याद रखना है फ्रेंड्स, है ना, श्रीवास्तव सेन और सिंह तीनों साथ से है, ये याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं अपन नाइनवे नंबर की। नाइनवे नंबर पर कौन बने? न्यायमूर्ति श्री जीपीएल ओझा। ओझा बने इसके बाद, इनके बाद ओझा बनते हैं न्यायमूर्ति जीपीएल ओझा। तो नाम याद रखना है, ओझा बने नाइनवे नंबर के, श्रीवास्तव सेन सिंह और ओझा, ये तीन बने फ्रेंड्स, तो तीनों याद रख लो। उसके बाद दसवें नंबर के व्यक्ति जो है ये इंपॉर्टेंट है, न्यायमूर्ति श्री जे एस वर्मा नाम के जो व्यक्ति है ये मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। और इसके अलावा इनका जन्म भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, इनका जन्म हुआ था सतना में, अपने मध्य प्रदेश का सतना जिला, सतना में हुआ था इनका जन्म, सतना में हुआ था। और ये सुप्रीम कोर्ट के 27वें मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं 1997 में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है मध्य प्रदेश के कौन से मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं? तो कौन है? न्यायमूर्ति श्री जे एस वर्मा। न्यायमूर्ति श्री जे एस वर्मा सुप्रीम कोर्ट के 27वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। तो ये नाम याद रखना है, ये आ सकता है, न्यायमूर्ति श्री जे एस वर्मा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। कौन से नंबर के रहे हैं? 27वें नंबर के रहे हैं, तो ये याद रखना है। उसके बाद देखिए इनके बाद 11वें नंबर में कौन बनते हैं? श्री एन डी ओझा। ये ओझा अलग है फ्रेंड्स और ये ओझा अलग है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये एन डी ओझा 11वें नंबर के रहे हैं, एन डी ओझा से भी एक क्वेश्चन बन जाता है, न्यूनतम कार्यकाल वाला कभी पूछा जाए व्यक्ति, तो यही है। 8 जनवरी 1986 से 88 तक रहे हैं, सबसे न्यूनतम कार्यकाल, न्यूनतम कार्यकाल वाले पूछेगा तो श्री एन डी ओझा। उसके बाद 12वें नंबर में कौन बने थे? देखिए श्री न्यायमूर्ति जी जी सोहानी ये 12वें नंबर के रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश, 12वें नंबर के सोहानी। और उसके बाद ये देखिए 13वें नंबर के जो है ये इंपॉर्टेंट है, न्यायमूर्ति श्री एस के झा। और एस के झा तृतीय राष्ट्रपति शासन लगा था 92-93 में, आपको याद होगा 92 और 93 में लगा था मध्य प्रदेश, तीन बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है अभी तक के, 93 में जो लगा था उस टाइम पे ये थे। तो क्वेश्चन यहां से आ सकता है, इसलिए याद रखना है, न्यायमूर्ति श्री एस के झा पहले श्रीवास्तव थे, फिर यानी लगा था जब थे, दूसरे टाइम पे कौन थे? जीपी सिंह। और ये तीसरे टाइम पे 92-93 में लगा था न्यायमूर्ति श्री एस के झा थे। तो ये इधर के अपन को समझ में आ गया, अब इधर के समझ में आ गया। इसकी ट्रिक कैसी याद कैसे रख सकते हैं इसको अगर देखा जाए तो, देखिए सबसे पहले श्रीवास्तव, फिर सेन और फिर सिंह। श्रीवास्तव सेन और सिंह शाह वाले तीन याद हो जाएगा। ओझा वर्मा ओझा ओझा से चालू ओझा ओझा में खत्म ओझा वर्मा और ओझार वर्मा इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। न्यायमूर्ति श्री जे एस वर्मा सतना जिले में जन्म हुआ था इनका, मध्य प्रदेश के हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, 27वें मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं, तो याद रखना है। उसके बाद 11वें हो गए ओझा, फिर सोहानी और झा। तो झा मैंने बताया, देखिए राष्ट्रपति शासन से चालू और राष्ट्रपति शासन में खत्म, यहाँ पे आपको इतने याद रखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गए, ये 5 शुरू के याद रख लीजिए, ये 8। अब आगे चलेंगे अपन और ये 8 देखेंगे, आगे चलेंगे और ये 8 देखेंगे, उसके बाद ये वर्तमान के देखेंगे, कैसे याद रखना मैं आगे बताऊंगा, आगे चलते हैं।
देखिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं हम। देखिए आगे देखिए 14 नंबर के अपन ये देख लिए और ये देख लिया। 14 नंबर के देखिए न्यायमूर्ति श्री यूएल भट्ट, न्यायमूर्ति श्री यूएल भट्ट मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश रहे, ये भी याद रखना है आपको। उसके बाद न्यायमूर्ति श्री ए के माथुर, न्यायमूर्ति श्री भवानी सिंह, ये भवानी सिंह इंपॉर्टेंट व्यक्ति लग रहे हैं, ये भवानी सिंह याद रखना, भवानी सिंह। न्यायमूर्ति श्री कुमार राज रत्नम, ये भी नाम याद रखना, मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, है ना, राज रत्नम। न्यायमूर्ति श्री आर बी रविंद्र, न्यायमूर्ति श्री एस के पटनायक, न्यायमूर्ति श्री एस आर आलम। उसके बाद न्यायमूर्ति श्री शरद अरविंद बोबड़े, तो देखिए ये 8 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसकी कोई ट्रिक नहीं है फ्रेंड्स, मैं आपको ऐसी बोला था ट्रिक बताऊंगा लेकिन ट्रिक नहीं है, याद रखना पड़ेगा, याद रखने से होता है। न्यायमूर्ति श्री यूएल भवानी सिंह इंपॉर्टेंट है, कुमार राज रत्नम और श्री आर बी रविंद्रम, एस के पटनायक मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, याद रखने से होता है। एस आर आलम, एक नंबर मिलते हैं याद रखो तो। शरद अरविंद बोबड़े क्या थे करके पूछा जा सकता है, तो मुख्य न्यायाधीश थे, या क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि इनमें से कौन मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं, एक आध ऑप्शन दे देगा जो उधर साइड के दूसरे व्यक्ति होगा, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इधर थे 8, इधर 8, ये मैंने इस प्रकार का बनाया हूं कि आपको थोड़ा सा पढ़ने और समझने में आसानी आए। अब बात करते हैं अपन इसके आगे कि इसको कैसे याद रखा जाए, ये बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, ये जरूरी है। ये वर्तमान में अपन वर्तमान से पीछे की ओर अपने पास्ट की ओर चलेंगे, जब अपने को तरीका पता चलेगा। 25वें नंबर के जो न्यायमूर्ति हैं, 25वें नंबर के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वर्तमान में मध्य प्रदेश के, वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम भी आपको जरूर पता होना, और आपको अपडेट भी रहना कि कभी ये बदल ना जाए, कभी ये बदले और एग्जाम में पूछा क्वेश्चन, इसलिए आपको इसमें भी ध्यान देना है। अभी वर्तमान में तो कौन है, न्यायमूर्ति श्री अजय कुमार मित्तल इज द 25th चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश, है ना, तो 25 नंबर के क्रम भी आ सकता है, क्रम आ सकता है। 25वें नंबर के हैं न्यायमूर्ति श्री अजय कुमार मित्तल, न्यायमूर्ति श्री अजय कुमार मित्तल वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश है, 25वें नंबर के हैं। 3 नवंबर 2019 को इनने शपथ ली, 3 नवंबर 2019 को शपथ ली, अब 3 नवंबर 2019 से अब तक है, 3 नवंबर 2019 से अब तक है, वर्तमान तक है, जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं तो आपको अपडेट भी रहने का, बदले ना। तो पहले वर्तमान का याद रखें, अजय कुमार मित्तल, इनके पहले कौन थे, तो देखिए इनके पहले दो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे हैं मध्य प्रदेश के, श्री रविशंकर झा, 10 जून से लेके 2 अक्टूबर 2019 तक के, 10 जून से लेके 2019 तक के, 10 जून से लेके 2 अक्टूबर 2019 तक के श्री रविशंकर झा एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश रहे हैं, तो याद रखना है, ये इनका क्रम नहीं था, ये कार्यवाहक थे एक्टिंग। इनके पहले भी कोई रहे थे जिनका नाम था श्री अखिल कुरैशी, श्री अखिल कुरैशी जी को भी कुछ दिन के लिए बनाया गया था, तो इनका भी नाम आप याद रख सकते हैं, तो ये दोनों का क्रम नहीं आएगा, इसको अलग लिख दिया अपन ने। न्यायमूर्ति श्री अजय कुमार मित्तल 25वें नंबर के, इनके पहले कौन थे, तो 24वें नंबर के थे संजय कुमार सेठ, इनके पहले कौन थे 23वें नंबर के श्री हेमंत गुप्ता जी, उसके पहले कौन थे भैया 22वें नंबर के, तो न्यायमूर्ति श्री अजय मानिक राव खानविलकर थे 22वें नंबर के। तो ये पीछे का क्रम तो थोड़ा सा जानकारी के लिए पता ही होना, पास का ही पूछा जाएगा। वर्तमान में अजय कुमार मित्तल, इनके बीच में दो थे एक्टिंग वाले, रविशंकर झा, अखिल कुरैशी, उसके बाद 24वें नंबर के देखा जाए तो न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार सेठ, और उसके पहले देखे तो 23वें नंबर के हेमंत गुप्ता जी थे, और 22वें नंबर के अजय मानिक राव खानविलकर थे। तो ये था क्रम याद रखने का, यही तरीका है याद रखने का। अगर नाम पता है तो क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा, नहीं पता रहेगा
तो एक नंबर आप खो सकते हैं। तो ये वाले टॉपिक को भी अपने को देख के जाना है एग्जाम में, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, तो हमने देखे आपने इसके पहले, हमने मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश देखे, उनका क्रम देखे, जो भी इंपॉर्टेंट उनसे लगा उसके बारे में हमने जानने की कोशिश की। अब आगे चलते हैं, मैंने आपको कहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं इससे रिलेटेड आपको बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले एक दो फैक्ट की बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट वाले। देखिए, मध्य प्रदेश में गठन के पूर्व उच्च न्यायालय की स्थापना की जा चुकी थी 2 जनवरी 1936 को नागपुर में, मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व उच्च न्यायालय की स्थापना नागपुर में की गई थी फ्रेंड्स। तो ये भी आपको रखना है, नागपुर में की गई थी। लेकिन उसके बाद आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहां पर है, जबलपुर में है। मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहां पर है, जबलपुर में, जिसकी स्थापना 1956 में की गई थी। मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ था 1956 में, 1 नवंबर 1956 में की गई थी। तो ये भी आपको पता होना कि 1 नवंबर 1956 में की गई थी। इसकी दो खंडपीठ मिलेगी आपको, एक है इंदौर में और एक है ग्वालियर में। याद रखना, इसकी दो ब्रांचेस है, एक तो है इंदौर में, दूसरी ग्वालियर में। इसकी दो ब्रांचेस है। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की पीठ पूछा जाए कभी, पीठ तो वो खुद है, और उसकी खंडपीठ पूछा जाए, यानी ब्रांचेस कौन सी है, ये इंदौर है और ग्वालियर है। लेकिन इंदौर और ग्वालियर जो ब्रांचेस है, इसकी स्थापना अस्थायी तौर पर की गई थी 1956 में। अस्थायी तौर पर की गई थी इसकी स्थापना। लेकिन 28 नवंबर, ये तारीख इंपॉर्टेंट है, 1968 को राष्ट्रपति के अधिसूचना के माध्यम से इसे स्थायी कर दिया गया था। ये तारीख आ सकता है, राष्ट्रपति के अधिसूचना के माध्यम से इसे स्थायी कर दिया गया था। मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ पर है, जबलपुर में है, यानी वो खुद पीठ है, जो हाईकोर्ट है वो पीठ है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, मध्य प्रदेश की पीठ कहाँ स्थित है, यानी वो खुद जबलपुर में है। उसकी दो खंडपीठ है, दो ब्रांचेस है, एक तो है इंदौर में, दूसरी है ग्वालियर में, और एक प्रस्तावित खंडपीठ भोपाल में बनाने का चल रहा है। कहाँ बनाने का चल रहा है, भोपाल में। कोई पूछेगा प्रस्तावित खंडपीठ कहाँ पर बनेगी, तो भोपाल में, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे चलते हैं यहां से, तो और देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या बन सकता है। उसके बाद देखिए, ये जो अपना मध्य प्रदेश में जो हाई कोर्ट है, उसका डिजाइन किसने दिया था करके क्वेश्चन आ सकता है। उसका डिजाइन उसका आर्किटेक्चर किसने दिया था, तो ये नाम याद रखना है आपको, हेनरी इरविन। ये नाम याद रखना है, हेनरी इरविन थे, इन्होंने इसका डिजाइन दिया था, आर्किटेक्ट किया था, मतलब मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है जो जबलपुर में है उसका। तो नाम ये याद रखना है आपको। एक और नाम इंपॉर्टेंट है, सेठ गोकुल दास स्वतंत्रता सेनानी, इनका नाम भी मिलता है, सेठ गोकुल दास। इस भवन का निर्माण सेठ गोकुल दास स्वतंत्रता सेनानी द्वारा करवाया गया था, किसका, जो अस्थायी खंडपीठ बनाई गई थी, और जो भोपाल मध्य यानी जबलपुर में जो हाईकोर्ट बनाया गया था उसका, किसके द्वारा करवाया था, सेठ गोकुल दास स्वतंत्रता सेनानी द्वारा करवाया गया था। तो इनका नाम भी मिलता है। डिजाइन किसने दिया पूछेगा, जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसा जवाब देना है। उसके बाद आगे चलते हैं फ्रेंड्स अपन आगे, और क्वेश्चन देखो, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला न्यायाधीश कभी पूछा, तो ये क्वेश्चन आता है, श्रीमती सरोजनी सक्सेना। याद रखना है ये सक्सेना, श्रीमती सरोजनी सक्सेना, ये कौन थी, ये मध्य प्रदेश की पहली महिला न्यायाधीश थी। अपन ने मुख्य न्यायाधीश पढ़े थे तो उसमें कोई महिला थी क्या, नहीं थी, लेकिन ये कौन थी, न्यायाधीश की बात हो रही है। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला न्यायाधीश पूछा जाएगा तो श्रीमती सरोजनी सक्सेना, नाम याद रख लेना है, श्रीमती सरोजनी सक्सेना। जितनी भी वनडे एग्जाम होती है इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और मध्य प्रदेश में प्रथम तो आप जानते ही हैं, पूरे आपको पता होना, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला न्यायाधीश पूछेगा तो श्रीमती सरोजनी सक्सेना। उसके बाद एक और नाम इंपॉर्टेंट है जो मध्य प्रदेश के हैं, एक दो नाम और इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो एक दो नाम देखिए, और जैसे एक नाम याद आता है यानी इंपॉर्टेंट है, रमेश चंद्र लाहुंटी। इनका जन्म मध्य प्रदेश के गुना जिले में हुआ था फ्रेंड्स, और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं ये, 35वें नंबर के
35वें नंबर के रमेश चंद्र लाहौंटी गुना जिले में जन्म हुआ था, भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं 35वें नंबर के, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश रहे हैं जिनका जो 35वें नंबर के थे, तो क्रम भी आ सकता है, ये याद रखना 35वें नंबर के थे, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको भी इसी लेक्चर में देख लेते हैं जिससे आपको थोड़ी सी आसानी होगी। उसके बाद आगे चलते हैं, देश का पहला डिजिटल हाईकोर्ट पूछा जाएगा तो कहां पर है, जबलपुर में। देश का पहला डिजिटल हाईकोर्ट पूछा जाएगा तो जबलपुर में है, याद रखना है देश का पहला डिजिटल हाईकोर्ट जबलपुर में है। उसके बाद आगे चलते हैं, अनुच्छेद 214 इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद आर्टिकल 214 इंपॉर्टेंट है, इसके तहत प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। इसमें यहां लिख रखा है फ्रेंड्स कि इस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य का एक हाईकोर्ट होगा या उच्च न्यायालय होगा, और भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है, 2500 बना था अमरावती में, अमरावती जो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है, अमरावती में 2500 बना था, टोटल भारत में 25 है, और इसके तहत प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, यह ऐसा लिख रखा है इस अनुच्छेद में। तो अब उसके बाद और क्वेश्चन आ सकते हैं, देखिए उसके बाद और क्वेश्चन देखिए, दो चार क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है यहां से। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कुल स्वीकृत पदों की संख्या कितनी, अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो 53। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कुल स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है, तो 53, ये भी याद रखना है 53। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कुल स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है, 53। एक एक क्वेश्चन। राजस्व मंडल एवं राजस्व न्यायालय का मुख्यालय ग्वालियर में है, राजस्व की बात आएगी तो ग्वालियर लगाना है, राजस्व न्यायालय और राजस्व मंडल का मुख्यालय कहां पर है, ये ग्वालियर में फ्रेंड्स याद रखना है, राजस्व मंडल और राजस्व का मुख्यालय ग्वालियर में। उसके बाद मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी कहां पर है, अगर क्वेश्चन आ सकता है, ये जबलपुर में है, याद रखना है जबलपुर में न्यायिक अकादमी कहां पर, जबलपुर में। स्टेट जुडिशियल एकेडमी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, स्टेट जुडिशियल एकेडमी जबलपुर में है, ये याद रखना है। उसके बाद आगे चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो बन सकते हैं इससे रिलेटेड, या आपको इसमें इसलिए बता रहा हूं कि इससे रिलेटेड हर चीज कवर हो सके। औद्योगिक न्यायालय कहां पर अगर पूछा जा सकता है, औद्योगिक न्यायालय और श्रम न्यायालय कहां पर अगर आ सकता है, तो याद रखना है ये कहां पर है, ये इंदौर में है फ्रेंड्स, ये इंदौर में है। औद्योगिक और श्रम न्यायालय कहां पर अगर के पूछा जाएगा, तो इंदौर में है, इंदौर लगाना है आपको। पर्यावरण न्यायालय, पर्यावरण न्यायालय कहां पर अगर के पूछा जाएगा, तो आपको लगाना है क्या, भोपाल। पर्यावरण की बात आएगी तो भोपाल में है पर्यावरण न्यायालय। तो ये दो क्वेश्चन। प्रथम विशेष न्यायालय की स्थापना कहां की गई थी, इसके बाद अगला क्वेश्चन। प्रथम विशेष न्यायालय की स्थापना सिंगरौली में की गई थी, सिंगरौली जिले में की गई थी। प्रथम विशेष न्यायालय की बात हो रही है, विशेष न्यायालय। उसके बाद आगे चलते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद सर्वप्रथम ग्राम न्यायालय की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस जिले से हुई थी करके क्वेश्चन आता है, तो नीमच जिले के झांतला ग्राम से, 26 जनवरी 2001 तारीख याद रखना है। सर्वप्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना मध्य प्रदेश में, सर्वप्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना नीमच जिले के झांतला ग्राम से हुई थी 26 जनवरी 2001 को। जबकि या लेकिन ग्राम न्यायालय अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश में सबसे पहला ग्राम न्यायालय भोपाल जिले के बैरसिया गांव में स्थापित किया गया था 2 अक्टूबर, गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 2009 को। जैसा पूछा जाएगा वैसा जवाब देना है। मध्य प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय कहां पर, तो नीमच जिले का झांतला ग्राम में 26 जनवरी 2001 को प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई थी। जबकि ग्राम न्यायालय अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश का सबसे पहला ग्राम न्यायालय भोपाल जिले के बैरसिया में स्थापित किया गया था 2 अक्टूबर 2009 को। तो एक इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे चलते हैं और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टमेंट देख लेते हैं जो आपको वनडे एग्जाम में काम आ सके। उसके बाद अनुच्छेद 233 इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 233, अनुच्छेद 233 इंपॉर्टेंट है। इसके तहत
जिला न्यायालय की स्थापना की गई है, इसके तहत जिला न्यायालय की स्थापना की गई है, इसके तहत जिला न्यायालय की स्थापना की गई है, याद रखना है। और जिला न्यायालय की स्थापना कौन करता है, तो हाईकोर्ट करता है, ये आपको जानते होंगे। और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है करके पूछेगा कभी, तो राज्यपाल करता है ना। न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है करके पूछा, तो राज्यपाल करता है। ये दो आपको यहां से पता होना, इसके बारे में तो जानकारी होगी आपको। उसके बाद आगे चलते देखो, न्यायाधीश जब आपराधिक मामलों पर विचार करते हैं तो उसे सत्र न्यायालय कहते हैं। जिला न्यायाधीश का कार्य क्या होता है करके पूछा जा सकता है कभी। जिला न्यायाधीश का कार्य क्या है, सिविल मामलों पर विचार करना, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद आगे देखते देखिए, महिलाओं पर होने वाले अपराधों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया था। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया था, कब किया गया था, 2001 में, यह भी याद रखना, एक क्वेश्चन आ सकता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट 2001 की स्थापना। परिवार न्यायालयों की स्थापना संभागीय मुख्यालयों में की गई थी, ये क्वेश्चन आ सकता है कहां की गई थी, तो ये संभागी मुख्यालयों में की गई थी, ये याद रखना है फ्रेंड्स। परिवार न्यायालय की स्थापना संभागीय मुख्यालय में की गई थी परिवारों। उसके बाद आखिरी फैक्ट देखिए, औद्योगिक एवं श्रम अधिनियम 1960 के तहत, जिलों में 25 श्रम न्यायालय की स्थापना की गई है, ये क्वेश्चन आ सकता है। कितने न्यायालयों की, श्रम न्यायालय 25। औद्योगिक एवं श्रम अधिनियम 1960 के तहत जिलों में 25 श्रम न्यायालयों की स्थापना की गई थी, की गई है। तो ये था हमारा लेक्चर फ्रेंड्स, जिसमें हमने मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश डिस्कस किए थे। इसके पहले जितने भी मुख्य न्यायाधीश हुए उनको देखे थे, उनका क्रम देखे थे, इंपॉर्टेंट है। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर वीडियो अच्छा लगा तो। और इसके बाद वाला जो लेक्चर आएगा उसमें मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव डिस्कस करेंगे, जो क्रम है मुख्य सचिव का, क्वेश्चन आए हुए हैं, कौन है कौन नहीं है, तो इस प्रकार का देखेंगे। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके बता सकते हैं आप हमारे को। थैंक यू।